अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सो जैसे कि पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ गिफ्ट शेयर किए थे जो कि हसन की पप्पो और ददियाल वालों ने दी थी, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गिफ्ट्स जो कि मेरे अम्मी लोगों ने दी हैं और हसन की जो खाला जो मेरी एक ही बहन है उसने जो दी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहले हमारे जो ड्रेसेस थे मेरे और उमर के, तो ये जाके मैंने खुद ही पसंद किए थे जब मैं मम्मी की तरफ गई थी। तो ये सारे उनकी दो शर्ट्स हैं और ये एक उनकी पैंट है, क्योंकि ऑलरेडी उनके अनस्टिच जो कपड़े थे वो ले चुके थे, तो हमने कहा कि ऑफिस में तो ये पहने जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ये ले लेते हैं। ये उनकी पैंट है और दो शर्ट्स, एक ब्लैक कलर की थी और एक दूसरी थी। ये हो गई और इसके बाद मैं आप लोग को अपना दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। मैंने दो स्टिच शर्ट्स ली थी और एक अनस्टिच मैंने लिया है गर्मियों का। सो अब मैं आप लोग को अपना दिखाती हूँ, और मैंने तीनों जो थे ड्रेस वो मैंने एथनिक से ही लिए हैं। ये उनकी समर कलेक्शन में से है, अनस्टिच लॉन जो कि टू पीस है और बहुत ही प्यारा लाइट सा कलर है और टी पिंक कलर का दुपट्टा है। उसके बाद मैं आप लोगों को वन बाय वन जो है जो स्टिच मैंने शर्ट्स ली हैं वो दिखाती हूँ। एक तो ये है, ये वीडियो मैंने बनाई थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ जो एथनिक की नई समर कलेक्शन है लॉन की वो कैसी आई है। बहुत ही अच्छे और लाइट से कलर्स हैं और प्रिंट भी बहुत अच्छे थे, और इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जो लिया है वो कौन सा है। इनमें से दो में कन्फ्यूजन थी, लेकिन ये जो फर्स्ट वाला टी पिंक टाइप है वो मैंने लिया है, पीच कलर का दुपट्टा जो है। यह है उमर की शर्ट्स, एक ब्लैक है और एक ये वाली है। और आगे मैं जो शर्ट्स ली हैं वो भी ओपन करके दिखाती हूँ। ये है मैरून कलर की, आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी लग रही होगी लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट है। और ये मेरी बहन ने लिया था तब, जॉन स्टिच सारे मेरे पड़े हुए हैं। और ये जो है ये मेरी सेकेंड शर्ट है जो कि एक सॉर्ट ऑफ कप्तान स्टाइल है, लूसी। और ये मैंने मीडियम साइज़ में ली थी जो मरून शर्ट है, ये खदर स्टफ है और बहुत ही प्यारा प्रिंट हुआ हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है लेकिन एम्ब्रॉयडरी नहीं है। ये सेकेंड जो शर्ट ली थी वो आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, और ये मैंने लार्ज में ली थी क्योंकि ये बड़ा मज़े का वो स्टाइल है, कफ्तान स्टाइल था, तो मैंने कहा मीडियम में ली तो वो थोड़ी सी वो तंग सी हो जाएगी और वो मज़े का नहीं लगेगा, इसलिए मैं लार्ज साइज़ में ली है। और ये इसका जो स्टफ़ है वो लीलन है, और इसकी नेक लाइन पर भी इसका ये आप देख सकते हैं इसकी नेक लाइन, इसका फ्रंट ये है, और ये इसके स्लीव्स, और इसकी जो बैक साइड है वो फुल ब्लैक और थोड़ी सी डिफरेंट है, फ्रंट से डिफरेंट है और बहुत ही प्यारा। ये एक तो स्टफ़ बहुत प्यारा है और डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था, आप किसी भी ब्लैक पैंट्स के साथ आप इसको मैच करके आप
पहन सकते हो। अब मैं आपको अपना अनस्टिच जो है वो ड्रेस आपको दिखाती हूँ। टू पीस ये मुझे अच्छा लगा था दुपट्टे की वजह से, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था इसलिए मैंने ये लिया है। और प्रिंट भी बड़े छोटे छोटे से, वो प्रिंट जो है वो बड़ा छोटा छोटा सा मज़े का लग रहा था। ये इसका दुपट्टा है और इसके लिए भी मुझे शलवार या ट्राउज़र लेना पड़ेगा जो कि लाइट या ऑफ वाइट कलर में मैं लूँगी। ये है इसका दुपट्टा। अब आते हैं इसकी चीज़ों पे। ये वो चीज़ें हैं जो क्यूट से शूज़ जो दीपा ने लिए हैं हसन के लिए, कि वैसे ही फ़ोटोशूट करना हो या कुछ भी तो ये पहनेगा। और वो और ये जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो ली हुई है। इसके अलावा जो है ये इनर्स लिए हुए हैं उसने, और ये कैरी करने वाला बैग लिया हुआ है। और इसके अलावा रोम्पर्स लिए हुए थे। ये तीन रोम्पर्स हैं, ये गर्मियों में भी चल जाएंगे। और इनका स्टफ़ जो है अभी तक मतलब एक ही मैंने पहनाया है रेड वाला, तो ये गर्मियों में भी इजीली चल जाएंगे। सो ये मैं बाद में ही इसको पहनाऊंगी। और ये जो जो भी लोगों ने कपड़े लिए हैं ये 0 to 3 months है, मैंने इन्हें खुद कहा था। और इन्होंने पूछा था कि मतलब कौन सी चीज़ें तुम लोगों ने ली नहीं ली हुई, तो वो हम लोग लेते हैं, तो मैंने वही बताई थी जो हम लोगों ने नहीं ली थी। तो ये तीन रोम्पर्स हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने चीज़ें ली थी वो है बाउंसर था, प्रेम था, और जो कैरी कोर होता है और आप गाड़ी में भी एडजस्ट कर सकते हैं वो है। ये हम लोगों ने सारा बेसमेंट में रख लिया था, तो ये ओपन करके इनकी पिक्चर्स होंगी और जब ओपन करेंगे तो ये दिखाऊंगी। ये हमने बाउंसर ओपन कर लिया था। वैसे इसका मैं आपको रिव्यू भी दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं तो, उसकी भी एक वीडियो बना लूँगी। लेकिन अगर क्योंकि हसन को हमने अभी 1 month का हुआ है तो अभी ओपन किया तो वो सही से बैठता नहीं है। और ये हो गया कैरी कॉर्ड, और इसको आप गाड़ी में भी एडजस्ट कर सकते हो। और मतलब पिक्चर वीडियोज़ इतनी अच्छी बनाई नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। सो जितना मेरे पास टाइम था मैंने शॉर्ट से क्लिप्स बना लिए थे। सो इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि इन्होंने नेमत से ली थी अम्मी लोगों ने, और उसमें है ड्रेस है, और इसके बाद जो कैरी बैग होता है ये है, और इसके अलावा डिफरेंट जो ड्रेसेस होते हैं वो भी 0 to 3 months के ही मैंने कहा था कि ले लें ताकि वो भी चल जाए, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। ये बहुत क्यूट सा येलो कलर का है। इसके अलावा अबू ने कैश दिया था ताकि मैं ख़ुद अपनी मर्ज़ी से भी जो लेना हो ले सकूं। और ये आगे आपको ड्रेसेस नज़र आ जाएंगे डिफरेंट जो कि अभी मैं इसको पहनाती हूँ। और इसके अलावा जो प्रेम वगैरह है और दूसरी चीज़ें हैं उनकी वीडियो सही से नहीं बना सकी थी तो उनकी पिक्चर्स मैंने अटैच कर ली हैं। सो ये सारी चीज़ें थी और पिक्चर्स आगे अटैच हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये सारी चीज़ें जो हसन के लिए थी उसकी नाना नानो और खाला ने दी हैं। और थैंक यू सो मच सब लोगों के लिए जिन लोगों ने भी गिफ्ट दिए, जो भी दुआएँ दी, सबको थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इंस्टा का लिंक है नीचे और मुझे इंस्टा में भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।